बेटा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे दो वीडियोस हमने जो अपलोड किए थे उसमें हमने पहले देखा है हाउ कैन वी डिफाइन मैटर एंड व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, उसमें हमने पहले वीडियो में ये डिस्कस किया था। उसके बाद जो लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, जिसमें हमने देखा है कि मोस्टली जो मैटर के दो तीन स्टेट्स है, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। हर एक स्टेट की हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए हैं। उसमें हमने देखा है कि सॉलिड बेटा वो एक्चुअली एक मेव मैटर है जिसके पास एक डेफिनेट शेप होती है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर इसको कंपेयर करोगे विद लिक्विड्स, अगर लिक्विड के साथ उसको कंपेयर करोगे, लिक्विड्स में हमने ये देखा है कि उनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है बट उनके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। बिकॉज मैंने पहले ही आपके साथ ये डिस्कस किया था कि अगर हम किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में रखोगे, इट लुक्स लाइक दैट, वो उसी कंटेनर में दिखेगा, वैसा ही दिखेगा। इफ वी टेक दिस लिक्विड इन एनी गिलास में रखोगे या बेटा किसी भी कंटेनर में रखोगे, वो वैसी ही शेप बेटा इख्तियार कर लेता है। बट उसके साथ साथ हमने गैसेस स्टेट भी बेटा पढ़ा है कि गैसेस के प्रॉपर्टीज हमने देखी है। उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो गैसेस स्टेट है मैटर का, उसका कोई ना डेफिनेट शेप है ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। उस तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ गैस कैन बी कैप्ट इन ए स्मॉल सिलेंडर, तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, कोई शेप भी बेटा उसके पास नहीं है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब हम बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है व्हाट इज एक्चुअली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, या वी कैन से दैट कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब हमें बेटा ये देखना है कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसमें हमें देखना है रोल क्या होता है टेम्परेचर का या प्रेशर का, क्या रोल है किस पे, मैटर के स्टेट पे। अगर आप देखोगे बेटा हमारे पास एक फेमिलियर एग्जाम्पल है, अगर हम बेटा वाटर ले लेंगे, अगर आप वाटर को ले लोगे, वाटर जब हम देखते हैं बेटा, वाटर ये बेटा तीन स्टेट्स में हम इसको देखते हैं, सॉलिड स्टेट में भी ये प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में भी ये बेटा प्रेजेंट होता है, गैसियस स्टेट में भी ये प्रेजेंट होता है। अगर आप बेटा आइस को ले लोगे, इट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ये बेटा सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। इसी तरीके से अगर आप बेटा दूसरा देखोगे, जो हम वाटर बेटा एज देखते हैं ज्यादातर, वो बेटा लिक्विड स्टेट है वाटर का। इसी तरीके से हमारे पास वाटर वेपर्स होते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं, दिस इज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर वाटर, ये गैसियस स्टेट है, ये सॉलिड लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है। अब हमें देखना है अगर सॉलिड स्टेट को हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड स्टेट में, या लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट करोगे गैसियस स्टेट में, इसमें हमें क्या करना है। इसमें हम बेटा ये देखते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज एक्चुअली द रोल ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर। बाय द टेम्परेचर एंड बाय द प्रेशर वी कैन चेंज एनी मैटर, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। हम बेटा टेम्परेचर से किसी भी मैटर का स्टेट या प्रेशर से सॉलिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड को हम बेटा गैसियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे बेटा टेम्परेचर का क्या रोल होता है। अगर आप टेम्परेचर को ले लोगे, टेम्परेचर से भी हम बेटा किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस। पहले जब हम देखते हैं बेटा, अगर हम बेटा वाटर ले लोगे, अगर आप सिंपली जो आपके पास फेमिलियर वाटर है लिक्विड स्टेट में, जो आपके पास वाटर प्रेजेंट है, या फॉर एग्जांपल अगर आप ले लोगे आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, या अगर आप देखोगे आइस जो होता है ये सॉलिड फॉर्म है वाटर का, अगर आप बेटा इसको टेम्परेचर दे दोगे, अब बेटा जो टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड करते हैं, अब बेटा जो हम हीट इसको देते हैं, अब जो बेटा जब हम हीट इसको देते हैं, तो दिम सिंपली अगर आप वाटर ले लोगे लिक्विड वाटर, तो ये वाटर सिंपली चेंज हो जाएगा इनटू वाटर वेपर, या अगर आप बेटा आइस को हीट दे दोगे, ये सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर को हीट दे प्रोवाइड करोगे, गिवन हीट दे दोगे इसको, तो दैट मीन्स जो आइस होगा बेटा, ये बेटा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि इस लिक्विड वाटर में ये बेटा कन्वर्ट हो सकता है। अब हमें यही देखना है, अगर हमने लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट किया या हमने सॉलिड को
लिक्विड में कन्वर्ट किया। हम वाटर को एक एक फेमिलियर एग्जांपल है जो हमारे यूनिवर्स में ज्यादातर हम इसी को देखते हैं, ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। इसीलिए मैंने वाटर एग्जांपल ले ली है। पहले हम देखेंगे बेटा, अगर आप आइस को हीट प्रोवाइड करते हो तो दैट मीन्स जो सॉलिड होता है, इसमें मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, उनमें लिटिल इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, एंड द एनर्जी विच वी अप्लाई, जो हीट हम अप्लाई करते हैं, दिस एनर्जी इज ओनली यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स जो बेटा क्लोज होते हैं सॉलिड्स में, ये पार्टिकल्स इतने क्लोज होते हैं कि दैट मीन्स एक सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, लिटिल इंट्रासेल्युलर स्पेस आर बिटवीन देम। अब जब हीट इसको हम प्रोवाइड करते हैं, ये सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब लिक्विड्स में आपको बेटा पता है, अगर हम पार्टिकल के हिसाब से देखेंगे, इसमें पार्टिकल्स में थोड़ा इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, वो दैट मीन जो हमने हीट प्रोवाइड किए एक सॉलिड को, इन ऑर्डर टू ब्रेक इट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, द एनर्जी विच वी अप्लाई, जो हम एनर्जी अप्लाई करते हैं या जो हम हीट अप्लाई करते हैं, इट इज ओनली यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जो बेटा हमने जो हीट प्रोवाइड की, ये बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लग गई, उस तरीके से सॉलिड स्लोली कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। अब बेटा यहां पे हम देखेंगे, अगर लिक्विड स्टेट को आप बेटा यानी लिक्विड वाटर को फिर हीट प्रोवाइड करोगे, और पार्टिकल्स की जो बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, इतने पार्टिकल्स दूर हो सकते हैं जितने गैसेस में प्रेजेंट होते हैं, तो उस तरीके से लिक्विड वाटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आप बेटा पार्टिकल्स की एनर्जी देखते हो, पार्टिकल्स की एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब जो बेटा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। पार्टिकलों की एनर्जी जो होती है ये कॉन्स्टेंट रहती है। जितने सॉलिड्स में पार्टिकल की एक अपनी ओन एनर्जी होगी, वही लिक्विड स्टेट में भी होगी, वही गैस स्टेट में भी होगी। बट द क्वेश्चन अराइजेस, द एनर्जी विच वी सप्लाई, द एनर्जी विच वी अप्लाई इन ऑर्डर टू चेंज एनी सॉलिड इन टू लिक्विड, या वी कैन से दैट फ्रॉम लिक्विड इन टू गैस स्टेट, द एनर्जी विच वी अप्लाई it is only used to break the bonds between the particles, and we can say that this energy remains hidden in the content. वो जो हम एनर्जी देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, इससे पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज नहीं हो जाती है, बट क्या हो जाता है, ये एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं, इट इज ओनली यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ये पार्टिकल्स की जो एनर्जी है बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लग जाती है, पार्टिकल की एनर्जी नहीं इंक्रीज हो जाती है, एंड दिस एनर्जी which we supply, which we apply in order to change any solid into liquid, or we can say liquid into gas, the energy is only used to break the bonds, and this energy remains hidden in the content. अब जो बेटा ये एनर्जी होती है जो हम अप्लाई करते हैं, ये हिडन रह जाती है, एंड ये रिमेन्स हिडन इन द उसी कंटेंट में, उसी सॉल्यूशन में, ये उसी सबस्टेंस में ये हिडन रह जाती है, एंड दैट इज व्हाई दिस एनर्जी विच वी सिंपली नोन एज हिडन हीट, इसको हम हिडन हीट कहते हैं, या हम इसको बेटा हम लेटेंट हीट भी कहते हैं। अच्छे इस मना को बड़ा सिंपली लेटेंट है, इसको हम हिडन हीट भी कहते हैं, बिकॉज पार्टिकल की एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है, दिस एनर्जी विच वी अप्लाई इट इज ओनली यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स, को जो टेम्परेचर आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो उससे पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज नहीं हो जाती है, बॉन्ड को ब्रेक करने में लग जाती है, पार्टिकल्स की जो एनर्जी हमने अप्लाई की ये हिडन रहती है इसी सबस्टेंस में, दैट इज व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ हिडन हीट, एंड वी कैन से कॉल इट एज अ लेटेंट हीट। बट नाउ यहां पे आपको देखना है, जब आप एक सॉलिड को कन्वर्ट करते हो लिक्विड में, अगर मैंने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया लिक्विड वाटर में, अगर हम इस आइस को जब हीट प्रोवाइड करते हैं, वहां पे भी पहले आपको पता होना चाहिए, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में, अब इस तरीके से जब मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप एक सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, इसको हम बेटा मेल्टिंग भी कहते हैं, इसको हम बेटा मेल्टिंग कहते हैं, या वी कैन कॉल इट एज ए फ्यूजन, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। वो चेंजिंग ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड, वी कैन कॉल इट एज ए मेल्टिंग, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए फ्यूजन, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। बट अब बेटा यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे आपको ये देखना है,
जब भी आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, वी कैन कॉल इट एज ए फ्यूजन या वी कैन कॉल इट एज ए मेल्टिंग, एंड द एनर्जी विच वी अप्लाई, द एनर्जी विच वी सप्लाई इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनी सॉलिड इनटू लिक्विड, वी कैन कॉल इट एज ए फ्यूजन। एंड यहां पे भी एनर्जी हिडन रहेगी, जिसको हम बेटा, पहले ही मैंने आपको बेटा बताया, इट इज सिंपली कॉल्ड लेटेंट हीट, या इसको हम बेटा लेटेंट हीट भी कहते हैं, इसको हम हिडन हीट भी कहते हैं। बट बाय चेंजिंग एनी सॉलिड इनटू लिक्विड वी कैन कॉल इट एज अ फ्यूजन एंड आल्सो कॉल्ड अ मेल्टिंग। वो सो वी कैन से दैट द एनर्जी व्हिच इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनी सॉलिड इनटू लिक्विड, जब भी एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, वी कैन कॉल इट एज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। वो सिंपल वर्ड्स में वी कैन डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स, क्योंकि हीट हमेशा जूल्स में हम इसको मेजर करते हैं, इसका यूनिट है। तो दैट मीन्स द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड टू लिक्विड विदाउट राइज विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज नहीं हो जाती है, मैंने पहले ही बताया, हीट जो हम अप्लाई करते हैं, जो टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं, इज ओनली यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स की हमेशा कॉन्स्टेंट एनर्जी रहती है, एंड सप्लाइड एनर्जी विच रिमेन्स हिडन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेटेंट हीट। बट वेन वी कन्वर्ट एनी सॉलिड इन टू लिक्विड दैट इज कॉल्ड द फ्यूजन, एंड द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज एनी वन सॉलिड फ्रॉम लिक्विड दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ अगर हम बेटा अब लिक्विड को भी हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर दे देंगे, अब यहां पे भी बेटा पार्टिकल्स की जो बॉन्ड होंगे लिक्विड्स में वो ब्रेक हो जाएंगे, इतने दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स जितने गैसेस में होते हैं, वो हम वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पे आप देखते हो बेटा, जब भी आप किसी भी लिक्विड को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी वाटर को वाटर वेपर्स में, इसको हम वेपराइजेशन कहते हैं, इसको हम वेपराइजेशन कहते हैं, इसको हम एवोपरेशन भी कहते हैं। गो सब सो वी कैन से दैट द एनर्जी विच इज यूज टू कन्वर्ट एनी लिक्विड इन टू द गैसेस स्टेट एंड दिस एनर्जी ऑल्सो यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड इट रिमेन्स हिडन, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और सिंपली लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन। गो जब भी आप सॉलिड को लिक्विड में, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब लिक्विड को वाटर गैसेस स्टेट में, दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहां पे मैं आपको बेटा एक सिंपल डायग्राम यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपका जितना भी कोई कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। अगर हम यहां पे देखेंगे, आइस जो है इट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, जब आप इसको यहां पे टेम्परेचर दे दोगे एंड ये एनर्जी इज इज ऑनली यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स, इट कैन नॉट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अब बेटा ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो दैट मीन्स ये सॉलिड फॉर्म है वाटर की, ये है लिक्विड फॉर्म। अब जब हम बेटा वाटर वेपर्स ले लेंगे, निम्नसाते तो गोबरा वाटर वेपर जब ले लोगे, ये गैसेस फॉर्म है, किसके, ये वाटर की गैसेस फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है। अब यहां पे हमने देखा जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बाय गिविंग टेम्परेचर, टेम्परेचर से ही इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड यहां पे भी एनर्जी जो हम अप्लाई करते हैं इट रिमेन्स हिडन, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब वाटर को वाटर वेपर्स में, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बेटा यहां पे आप याद रखोगे, गो इसका मतलब ये है कि हम टेम्परेचर से किसी भी मैटर का स्टेट कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, जैसे मैंने आपको बेटा बताया, जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, इसको हम बेटा मेल्टिंग भी कहते हैं, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। वो दैट मीन्स पहले हमने देखा मेल्टिंग एंड फ्यूजन, ये बेटा वो चीज है सिंपली, जब आप किसी सॉलिड को एनर्जी प्रोवाइड करोगे, हीट दे दोगे, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बेटा दूसरा है, जब आप लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम बेटा बॉइलिंग भी कहते हैं, इसको हम वेपराइजेशन भी कहते हैं, इसको हम इवापोरेशन भी कहते हैं। अब बेटा ये आपने देखा टेम्परेचर से, अगर आप बेटा वाटर वेपर्स को टेम्परेचर डिक्रीज करोगे,
ये नहीं टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर डाउन करोगे वो दैट मीन्स टेम्परेचर को डिक्रीज। वो मैंने पहले ही बताया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब यह है टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से हम किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। वो दैट मीन्स अगर हम आप वाटर वेपर्स का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, जिसको आपने पहले ही पढ़ा होगा, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, वो चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड वाटर। जब बेटा आप वाटर को सॉलिड में आप कन्वर्ट करोगे, जब आप लिक्विड को आप बेटा सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, जिसको हम सिंपली बेटा फ्रीजिंग कहते हैं, वो इस तरीके से आपने यहाँ पे कुछ टर्म्स पढ़े हैं। अगर आपको कोई बताएगा व्हाट इज मेल्टिंग, सिंपली चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, या व्हाट इज फ्यूजन, चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय गिविंग टेम्परेचर, वहां पे एक हीट रिक्वायर्ड हो जाती है जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, या लिक्विड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करोगे यानी वाटर को वाटर वेपर्स में, इसको हम बॉइलिंग भी कहते हैं, इसको हम एवापोरेशन भी कहते हैं, और वहां पे जो एनर्जी आप यूज करते हैं उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। नाउ उसके तरीके से उसके रिवर्स अगर आप देखोगे, वाटर को वाटर वेपर्स को जब वाटर में कन्वर्ट करोगे उसको हम बेटा कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास रेन पड़ जाती है उसमें भी बेटा ये एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन वाटर साइकिल में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। अब बेटा यहाँ पे आपने देखा कंडेंसेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, जब डिक्रीज करोगे टेम्परेचर वाटर वेपर तो वाटर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड वाटर को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना होगा उसको हम बेटा फ्रीजिंग कहते हैं। दीज आर द सम पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड बाय चेंजिंग एनी स्टेट ऑफ मैटर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिक्रीज करना या टेम्परेचर का इंक्रीज करना, हम इस तरीके से किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते। इस तरीके से हमने देखा कि टेम्परेचर का क्या रोल है कि हम जब भी किसी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब बेटे यहाँ पे रह गया प्रेशर का क्या रोल है, तो इस तरीके से हम प्रेशर से भी किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं, एंड दैट वो प्रेशर का जो इफेक्ट है ऑन द स्टेट ऑफ मैटर दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस तरीके से ये बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर को प्रेशर का रोल जो है ऑन द स्टेट ऑफ मैटर वो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।